नमस्कार दोस्तों, मैं तुम्हारा अपना कैलाश पंडित एक बार फिर हाजिर हूँ ऐसे लौंडूसों की पैडी लेके। मैं बता रहा हूँ भैया, हमें चो करनी पड़ता है, क्योंकि तुम जैसे शोरूम को पसंद करते हो भैया, कछु अच्छो पसंद कर लो तो हम कछु अच्छो बना पाएंगे। ठीक है भैया, तो आज के हमारे कॉफी विद कैलाश में जो हमारे गेस्ट हथका हैं, जहाँ माहौल में सबके पड़े हैं जोश ठंडे, ये बिल्कुल जोश की मसाल लेके एकदम चल तक आए, वो आज हमारे जो गेस्ट बने उनको नाम हथका है टॉमी। अरे चाट मत पंडित यार, जिस भोसड़े को इंट्रो देखना, पुराने वाला वीडियो देख लेगा। तू जल्दी जल्दी सवाल पूछ, टाइम नहीं अपने पास। अरे लल्ला, अरे मतलब लल्ला, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जा टाइम, मतलब सब कुछ बंद ही पड़ो है, मतलब सबरी दुनिया घर में बैठी पड़ी है, जा टाइम है तुम्हें कहाँ जाना हो जो इतनी जल्दबाजी है? जा टाइम कौन सा काम है ऐसा है, है? पानी पूरी बनाकर इंस्टाग्राम पर फोटो डालता हूँ। अरे तुम जल्दी जल्दी सवाल पूछो यार पंडित। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि भैया, जैसे अब लॉकडाउन को थोड़ा समय चल रहा है, मतलब आधी चीज़ें बंद है आधी चीज़ें खुली हैं, तो यहाँ में तुम्हें यहाँ तक आने में तुम्हें कोई दिक्कत तो ना भाई है टोमी भैया? पंडित मुझे लग रहा है तुम्हारी भी बुद्धि खराब हो गई औरों की तरह। अरे तू और मैं अलग अलग है क्या? जेऊ बात ठीक कह रही। तो लल्ला, जैसो माहौल चल रहा है कि सब कुछ बंद है, अपने अपने घर में है सब कुछ, तो यहाँ माहौल के अंदर बड़ी दिक्कत आ रही है गानों बनाने में आर्टिस्टन को, तो यहाँ पे तुम कहाँ कहोगे? 12 घंटा दिक्कत हो रही है इनको। बैंड से तुम्हारे पास अपने लैपटॉप है, अपने स्टूडियो बैठ के गाने बनाते रहो जितने बनाने तुमको, लेकिन नहीं रंडी रोना रोना इनको। और तुम बैंड से वैसे कौन से अपने वीडियो के अंदर एरोप्लेन उतार देते थे जो आज तुम्हें दिक्कत हो रही है? अगर दिक्कत कहीं हो रही है ना पंडित, तो मेरी बात सुन ले, वो हो रही है पंजाबी इंडस्ट्री में। उनको हर वीडियो के अंदर स्लो मोशन में गाड़ी घुमाते हुए दिखाना होता है, जिसके लिए आउटडोर लोकेशन चाहिए नहीं मिल रही होगी उनको, ये दिक्कत है। लल्ला मतलब आजकल जैसे डिसविस जो चल लो का है, तो यार तुम कैसे देखते हो? मतलब पीला वाला चश्मा लगा के। अरे अरे ले आ यार, तेरे को बोला था रोज पीऊंगा, इधर बैठ के बैठ चुत। अरे मेरा मतलब लल्ला कि तुम वहां पे कहा कहना चाहोगे, मतलब जो डिसविस जो चल रहा है यहाँ पे कहा कहना चाहोगे? नहीं चूतिया हूं मैं, चूतिया हूं क्या पंडित, मैं क्यों बोलूंगा मैं किसी को भाई कुछ? उसकी अपनी जिंदगी, बहन चो काम करे गांड भरा अपनी मार चुता बहन चो जो मर्जी करे वो। ना वैसे तो जेऊ बात बिल्कुल ठीक है, मेरे कहने का मतलब अल्लाह यह है तो कि मान लो काई ने काई को डिस कर दी, तो वह क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए? मतलब वो ये करना चाहिए जो बचपन में स्कूल में किया था, बहन चो फट्टे लेके ऐसी गांठ तोड़ दो ना बहन चो, भगा भगा के मारो बहन चो, उपले चूले सब मारो बहन चो के बना बहन चो डिश। लल्ला तुम तो यार बहुत हिंसक हो जाते हो यार हर बात में, मतलब तुम ऐसे रैप से जवाब ना दोगे, लिख के कलम से ऐसे लिख के जवाब ना दोगे? देख मेरे भाई पंडित, कलम जब जवाब देगी तब दे देगी। आज बहन से हॉकी उठाकर टांगों में ऐसी बजा देनी चाहिए बहन की चूत के सारी उम्र टांगों की बीट खत्म ना हो, टंग 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 बसती रहे बहन से, और टांगों की कटोरिया निकाल के ना इनमें पीली वाली दाल वाला तड़का लगा के बहन से यूं कटक जाओ, डिश बनाओ तुम बहन छोत, मजाक बना दिया मैं। अरे 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 लल्ला, फिर तुम तो भैया मारदाड़ पे पहुंच जाता हो। अरे मेरे पूछने का मतलब ये होता है कि मान लो अभी हमें पता चलो है, तो मतलब हमें ये पता चलो है कि जो जो डिश विश है ये हिप हॉप को कल्चर है, तो मतलब जाए तुम कैसे मतलब कहना चाहोगे जहाँ पे कछू? सही कह रहा पंडित भाई, नीचे से ऊपर गांड रगड़ रगड़ का पहुंचने में ना गांड का सारा मांस उतर गया, अब जब मैं ऊपर पहुंच गया तो गांड पे मांस ना चढ़ाऊं बैंड चो, तुम्हारा कल्चर देखो ना बैंड की जो मांस उतर गया ऐसे दुनियादारी और गांड में बढ़ गया ऐसा कल्चर बैंड चो, तब तो कोई नहीं आया, जब भोसड़े रोड पर गुजर रहा था भोसड़ी का तो लोग थूकते थे बैंड चो, चूतिया लगता था दुनियादारी को, आज बन गया तो बैंड करोड़ सब आ गए कि नहीं बैंड का डिश बनाएंगे तो नहीं भागे चूत बैंड चो, भोसड़ी के गांड में सुतली लगा उड़ा दूंगा भोसड़ी के अंतरिक्ष में, समझ में आ गई बात? बैंड के लंड बनाएंगे बैंड चो डिश भोसड़ी के, पायरेटी सीढ़ी बना दूंगा तुम्हारी भोसड़ी के, तुम्हारी थूतरी लेके घूमते हो तुम। अच्छा तो मतलब लल्ला तुमने मतलब ये सोच रखी है कि तुम अपनी लिखाई कलम से जवाब ना दोगे हैं? देख भाई पंडित, ये हाथ पैर जवान भी ना एक तरीके से बात ही करते हैं, बहन चो सारी रात बैठ के ये क्यों लिखूं उसकी, ऐसे बेइज्जती करूंगा ऐसे बेइज्जती करूंगा ऐसे बेइज्जती करूंगा, बहन चो डंडा उठाऊंगा टना टन टना टन बैठ की चुप बना दूंगा नेक देर शांत है यार। अच्छा मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि मान लो काई ने तुम पे डिश बना दियो कि भैया जल्दी फेम चाहिए, अब तुम इतने ऊपर पहुंच गए हो, तो मान लो काऊ ने डिश बनाई दी, तो तब क्या करना चाहिए? कोई भोसड़ी का खामा खा उंगल करेगा ना, गांड में डंडा देकर झंडा लहरा दूंगा और भोसड़ी की गांड तोड़ के पजल बना दूंगा, सारी उम्र सॉल्व करता रहेगा ये क्या हो गया, डिश बनाएंगे खेल है टॉमी सिंह बैंड की जो खेल है टॉमी सिंह बैंड चोत। अरे टॉमी भैया, अरे टॉमी भाई बेटा मान जाने। अच्छा मुझे बताओ कि आप इज्जत की बात करते हैं, अंडरग्राउंड में टॉमी सिंह की कितनी इज्जत है का आज बता दो, ऑन कैमरा बता दो तुम। पंडित रोड पे निकलता हूँ ना, लोग गांड देने को राजी है, बता इससे बढ़कर रहेगा कुछ, इससे बढ़कर रहेगा कुछ,
हाथ नहीं मिलाते थे बहन के रोड़े पहले, आज देखो गांड देने को राजी हैं। अच्छा तो भैया सुनो, एक छोटो सो रैपिड वायर खेलेंगे अब, ठीक है टोमी भैया तैयार हो? रफ्तार भाई अपना, उसके लिए छाती पे गोली खाऊंगा बहन की चूत। डिवाइन जंगली शेर। बादशाह मैं। अच्छा तो चलते हैं, दुआओं में याद रखना। हो गया। एक बात बता पंडित यार, कोई अगर आप पे डिश बनाएगा तो आप क्या करोगे? अरे मुझे यूँ लग रहा है टॉमी भैया कि अब तुम्हारी बुद्धि खराब है कि थी क्या है? अरे बहन के लंदन तू और मैं अलग अलग है क्या है? और बनाया ना तो कर लो गंदे बतेरे बना लिए। अच्छा अच्छा तो भैया आज को शो हम यही समाप्त करते हैं। सबन को राम राम और सबन को बहुत सौ प्यार। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दी हूँ, दोस्तों में शेयर कर दी हूँ और चैनल को सब्सक्राइब कर दी हूँ। सब्सक्राइबर की बड़ी ज़रूरत पड़ रही है आजकल। ठीक चलो धन्यवाद भैया।